मेरा नमस्कार रेस्पेक्टेड कल्लल सिन्हा जी, रेस्पेक्टेड कल्लल कटारे जी, मैडम शीला जी, एएनओस, जेसीएस, एनसीओस एंड प्यारे कैडेट्स, सभी का दीनदयाल शोध संस्थान उद्यमिता विद्यापीठ परिसर में हम लोग स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे आप सब लोग आए ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमसे दो तीन दिन पहले सब लोग पूछ रहे थे कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप यहाँ लगता है, आपको शायद यहाँ पे तकलीफ होता होगा, शायद आप लोग जानते नहीं, आप लोगों के आने से हम सब लोगों की तकलीफें बहुत दूर हो जाती है। अच्छा लगता है पूरे देश भर के कैडेट्स यहाँ पे उपस्थित होते हैं और चित्रकूट जैसे जगह पर एकत्रित होके अपना आगे का पूरा अपना जीवन कैसे चलाना है इसके बारे में विचार करते हैं। इसमें से हिंदी जानने वाले कितने लोग होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं पूरा अपनी जो बात है वो हिंदी में ही रखूंगी क्योंकि मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे आंध्र प्रदेश की हूँ, तेलुगु हूँ मैं, पर मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है, इसीलिए जितने भी बात जो मुझे यहाँ पे रखना है वो हम हिंदी भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। पहले मैं भी आप लोगों की जैसे कैडेट थी ऐसे सामने बैठती थी और हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था, पर आज भगवान की दया से आपके जितने भी जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि यहाँ पे आना है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और ये जो मौका मुझे दिया उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ खड़े होने का आज हमें अवसर मिला है। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी आज जो यूथ है और यूथ का क्या काम है और क्या करने से अपन बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उतनी बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कहीं पे भी आज अपन खड़े होते हैं या जाके किसी से बात करते हैं तो सिर्फ लोग भ्रष्टाचार की बातें, अत्याचार की बातें, अनाचार की बातें, जहाँ पे जो लूटपाट हो रहा है वही बातें अपने सामने रखते हैं। लोग कहते हैं रे 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 भारत देश बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, वहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई कहेगा वहाँ पे इतना लूटपाट है वो कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई कहेगा अरे वहाँ तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है, कोई गरीब है वहाँ सबके सब, कोई के अंदर जील नहीं है, कोई जिम्मेवारी का कोई बात नहीं है करके प्रत्येक चौराहे पे यदि खड़े होके आप बात करेंगे तो आपको यही मिलेगा, समाचार पत्र उठाकर देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। ये सब देखते देखते हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अपन, ऐसा भारत देश क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों समझते हैं? तो लोग कहते हैं ये सब इसीलिए हो रहा है जो नेता है ना, नेताओं के कारण हो रहा है, कोई कहता है राजनीति के कारण हो रहा है, कोई कहता है मीडिया के कारण हो रहा है, कोई कहता है टीवी के कारण हो रहा है, कोई कहता है न्यूज़पेपर्स के कारण हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं आजकल की जो नई पीढ़ी है जो यूथ है उसके कारण ये सब बढ़ रहा बोलते। तो हम लोगों ने पूछा ऐसा यूथ के बारे में कहने का पहले आपको डर नहीं लगता, ऐसे यूथ के बारे में गलत बात सोचने के पहले आपके दिमाग में कुछ ऐसा भय पैदा नहीं होता, तो भी उनको कुछ असर नहीं पड़ा, अपने जो यूथ अपनी जो शक्ति है उसके ऊपर दाग लगाने का पहले वो लोग सोचते भी नहीं, सीधा कह देते नई पीढ़ी के कारण ये सब गलत काम हो रहा है। तब उनको ये सोचना चाहिए ऐसा दाग लगाने का पहले अपने भारत देश की परंपरा जिसको अपन ट्रेडिशंस कहते हैं, जो अपनी संस्कृति है, जो कल्चर है, वो सब कितना नष्ट हो रहा है इसे कोई सोचता नहीं, सिर्फ युद्ध के बारे में कह दिया और अपनी बात को समाप्त कर देते हैं लोग। पर वही लोग यदि पीछे मुड़ के देख ले या एक पन्ना ऐसे भी खोल के देखे जो युद्ध ने आज भारत में करके दिखा दिया है, कल्पना चावला, उसके बारे में कोई सोच लेगा तो गलत बात कह नहीं सकता। अपना एपीजे अब्दुल कलाम जी भी तो कभी युवा रहे होंगे, वो आज क्या करके दिखा रहे अपने समक्ष, अपने देश के सामने एक अच्छा नमूना खड़ा कर रहे, ऐसे
ही तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर जी के बारे में चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे कोई भी पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अर्जेंटीना हो, कोई भी हो, उनके सामने आप पूछेंगे, बोलते हैं ऐसा युवा हो नहीं सकता। तो युवा शक्ति जितने भी अपने भारत देश की है, अपने को उनके बारे में भी सोचना है और उनकी जैसा बनकर अपने को दिखाना है। कोई बताएगा नहीं कि आपको क्या बनना है। ये अपने अंदर की जो जिम्मेवारी है, जो जी है, जो शक्ति है, उसके आधार पे अपन सब लोगों को अपना अपना बनना है। कोई नहीं बताता। जब अपन पढ़ाई करने को जाते हैं, एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म में अपने को कहते भर दो जो आपकी इच्छा हो। माता पिता को भी इतना ज्ञान नहीं होता, इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि अपन सब लोग ग्राम विकास के इस पे है, तो ग्राम तो पीछे है ही पूरे। तो ग्रामीण अंचलों के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको माता पिता भी गाइड नहीं कर पाते, वहाँ के टीचर्स भी गाइड नहीं कर पाते, वहाँ इतना अच्छा एनसीसी के पूरे मास्टर्स नहीं मिलते, स्टाफ नहीं मिलता जो ये बता सके तुम एनआईसी चलो, एनआईसी चलोगे तो तुम्हारा पूरा सर्वांगीण विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, तुम एक अच्छा सिटीजन बन सकते हो। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को मौका नहीं मिलता। ये बड़ी खुशी की बात है कि अपन सब लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर अपन सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और काम भी करते। पर ऐसे बैकग्राउंड पे आप यदि सोचिए एक बार, एक कागज पकड़ा देते अपन जब कॉलेज जाते या स्कूल जाते, कहते या तो एनसीसी भरो, एनएसएस भरो या खेलकूद भरो, तो अपने को लगता है खेलकूद में कौन दौड़ लगाएगा, चलो छोड़ो इसको ये अच्छा नहीं है। एनएसएस अरे क्या सेवा कार्य करना, घर में तो अपन काम करते हैं ही, एनएसएस भी छोड़ो। फिर ऑप्शन एक रह जाता है एनसीसी, चलो भाई अच्छा है, कम से कम परेड करने के बाद एक समोसा और एक मिठाई मिल जाती है, यही ज्यादा अच्छा है, चलो करके कई लोग एनसीसी भर देते हैं। एनसीसी भरते समय लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे पीछे देश का कितना उम्मीद है और देशवासियों को हमारे ऊपर कितना गर्व है। हमारे माता पिता यदि सुनेंगे कि आरडीसी में हमारा बच्चा गया, पूरा देश के सामने वो अपना परेड प्रस्तुत कर रहा है या कर रही है, ये सुनकर माता पिता कितना गौरवान्वित होते हैं, ये अपन सोचते नहीं। इसीलिए कोई भी काम करने का पहले क्यों ये काम करने जा रहे, ये सोचने की बहुत जरूरत है। कुछ भी काम करना है तो भेड़ चाल की तरह कोई भी एनसीसी, एनएसएस, जो खेल कूद है या समाज सेवा या टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, कुछ भी बन सकते हैं। पर अपन जो काम अपने हाथ में लेने जा रहे हैं उसके पीछे का राज समझना बहुत जरूरी है। और विश्वविद्यालयों में या कॉलेज में अपन पढ़ने को जाते, वहां कोई ऐसा माहौल नहीं मिल पाता सबको कि उनको इतना अच्छा साधन और संसाधन रिसोर्स नहीं मिलते कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाए, ऐसा कहीं नहीं मिलता। पर जिस बच्चा को पढ़ना होता है, जिस बच्चा को गोल्ड मेडल लाना होता है, वो जी जान से मेहनत करता है, उस वातावरण में भी जो प्रतिकूल वातावरण उसके अनुरूप नहीं है वो वातावरण, उसके बाद भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली पूरा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना बना लेता है और वो गोल्ड मेडल लाता है। वो युवा शक्ति आज देश को जरूरत है। वातावरण बिगड़ा हुआ है, मैं नहीं कहती कि भारत का वातावरण बहुत अच्छा है, लोग जबरदस्ती झूठ बोलते हैं, ये हम नहीं कह रहे। वातावरण तो बिगड़ा हुआ है, वातावरण जहां आप जाइए वहां आपको प्रतिकूल वातावरण, आपके अकॉर्डिंगली आपको जो चाहिए वो वातावरण, वो एटमॉस्फेयर मिलता नहीं है। चित्रकूट में भी आप लोग आए, टॉयलेट्स जाना है बहुत दूर है, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, जहां आप रुके वहीं पे 100-200 टॉयलेट्स हो और हमारी कैडेट्स आसानी से टॉयलेट्स का प्रयोग कर सके, ऐसा हमारा दीनदयाल शोध संस्थान के पास संसाधन नहीं है। पर वातावरण निर्मित करना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा वहां पास में ही है, चलो रोड बना देते, बच्चे जाएंगे आएंगे, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा इसी के लिए। एनआईसी है, एनआईसी सुख सुविधाओं के लिए नहीं आते। जरूर लोग कहते हैं एनआईसी में मजा आता है करके, एनआईसी में भी खूब परेड होती है। कुछ कैडेट्स का मैं सुन रही थी, थक गए हैं, हाथ पैर दुख रहा बोल रहे थे, दुखता है। और इस उम्र में भी हाथ पैर नहीं दुखेगा तो क्या आप लोग 82 और 87 उम्र में आप अपने हाथ पैरों को दर्द देंगे? यही अवस्था है जिसमें आपको जो भी बनना है, चाहे हाथ पैर को दुखाइए, दिमाग के ऊपर प्रेशर दीजिए, शारीरिक कष्ट करिए, मानसिक तौर पे मजबूत बनिए और अपने परिवार को सम्मान दिलाइए, यही युवा अवस्था है। ये एज गुजरने के बाद सिर्फ अपन भाषण दे सकते, काम नहीं कर सकते,
भाषण भी जो अपन ने सीखा युवावस्था में उसी के बारे में बोल सकते। तो आप लोगों के लिए ये जो शिविर है, ये जो एनएसी है, ये मात्र सीखने का, समझने का, अपने आप को राष्ट्र के निर्माण में लगाने का एक कैंप है। एनुअल ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं, बचपना होता है, कुछ पता नहीं होता, फर्स्ट कैंप होता है, जाते हैं अपना इधर उधर थोड़ा बहुत खराब हो गया, उसके बाद बेसिक लीडरशिप कैंप में जाते हैं, तब अपन सीखते हैं सिग्नल्स क्या होता है, फायरिंग क्या होती है, कैसे करना, दुश्मन सामने है तो लक्ष्य के साथ उसको कैसे मारना और कहां मारना, एक गोली में कैसे उड़ा देना दुश्मन को, ये सीखते हैं। ऐसे ही सीखे हुए सैनिक लोग, अपने जितने जवान लोग कारगिल में अपना पूरा उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि वो लोग इस तरह की पढ़ाई, इस तरह की प्रशिक्षण न लिए होते, देश के सामने, दुनिया के सामने कारगिल का युद्ध एक नमूना, एक आदर्श के रूप में खड़ा नहीं होता। पर सीखते समय उन्होंने लगन के साथ सीखा फायरिंग कैसे होना चाहिए। भले अपन .22 डीलक्स में लड़की हमारी गर्ल कैडेट्स करती है, पर उसमें भी आनंद है। ग्रुपिंग कैसी होती है, सर मारते चटाक से बेत लेके तब भी आनंद आता है, गलती हुई है इसलिए मार पड़ी है। ऐसे ही कल की छोटी सी घटना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लोग अपन समझते हैं सुख सुविधाएं होगा तो ये आदमी अच्छा बनता है। तो अपना परिवार संपन्न है, कुछ गरीब परिवार होते हैं, पर संपन्न परिवार के कैडेट्स क्या सोचते हैं, मेरी माता पिता से मैं बिना बात किए रह नहीं सकता, तो मोबाइल लेके आते। ठीक, अच्छी बात है, 7-8 दिन में अपन माता पिता से या भाई बहन से या अपने परिवार वालों से बिना बात किए रह नहीं सकते कैंप में। आजकल ये सुविधा हो गया, मोबाइल लाना तो अच्छी बात है, पर मोबाइल घुमाना तो अच्छी बात नहीं है। मोबाइल लेके आ गए, गिर गया और परेशान, मेरा मोबाइल गिर गया, मेरा मोबाइल गिर गया, मेरा मोबाइल गिर गया, आपका पूरा ध्येय किधर चला गया। आप जो सीखने के लिए आए थे वो तो खत्म हो गया। कल्चरल्स में जो आप फर्स्ट आना चाहते थे वो व्यक्ति तो अब आपका रास्ता भटक गया, मेरा मोबाइल घूम गया, मेरा मोबाइल घूम गया, परेशान। फिर किसी ने मदद किया, एक क्लास मैम के पास उनका मोबाइल मिल गया, आज सुबह शायद मिल ही गया होगा ऐसा मैं सोचती हूँ। तो सुख सुविधाएं होना बहुत जरूरी है, पर जो भी पास जो रिसोर्सेस है वो अपने लक्ष्य से भटकने के लिए नहीं होना चाहिए। जो आपका मिशन है, मिशन के इसमें वो कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। आप अभी यहाँ पे सुन रहे हैं, आपका मोबाइल बज गया तो आपका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। फिर जिस चीज के लिए इतना पैसा लगा, इतने व्यक्ति लोग लगे, इतना पूरा व्यवस्थाएं किया, वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अपने भारत देश में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे जिसी का भी नाम ले लीजिए, विवेकानंद जी हो या अपने फ्रीडम फाइटर्स हो, सेना में जितने लोग रहे हो, वो सब लोग अभाव में काम किया है। उनके पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं था, तब भी उन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी मेहनत से उन लोग बने हैं। तो आप लोगों को इस शिविर में, इस कैंप में यही बताना चाहते, कम संसाधनों में, कम रिसोर्सेस में आप अच्छा सा अच्छा सिटीजन कैसे बन सकते हैं, अच्छा सा अच्छा सैनिक कैसे बन सकते हैं, अच्छा से अच्छा एक नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये बताने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। इस तरह के इससे ही व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में तो बहुत कुछ विश्लेषण करते हैं, पर एक साइकोलॉजिस्ट थे फ्रॉइड करके, उन्होंने कहा ह्यूमन बीइंग इज अ प्लेजर सीकिंग एनिमल, आदमी को हर समय खुशी चाहिए। तो ये जो कष्ट है, ये जो आप लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, इसमें आप लोग खुशी ढूंढने का प्रयास करिए, तभी अपन बहुत बड़े व्यक्तित्व बन सकते, अच्छा नाम कमा सकते, राष्ट्र का नाम भी अपन कमा सकते। अभी 2-3 दिन पहले एक घटना थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी, गर्ल कैडेट्स जो बैठे हैं उसी उम्र से भी और छोटी बच्ची होगी, आकांक्षा, इंदौर की थी। वो भी कोई अच्छे परिवार की नहीं थी, वो बिल्कुल सामान्य एकदम मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। उसने 61 आवर्स कंटिन्यूअस गाना गाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 61 आवर्स वो कंटिन्यूअस गाना गाती रही और प्रोग्राम देती रही और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कैसे संभव हो पाया? वो चाहती कि अरे मैं कर नहीं सकती, मेरे पास एनर्जी नहीं है, अरे मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा माइक चाहिए, नहीं ऐसा नहीं सोचा। उसने बना लिया अपने अंदर, ये बना लिया, जिद बना ली, ये जिद के कारण वो पूरे 61 आवर्स गा डाली।
कोई काम हाथ में लेते हैं उसको लोग सोचते अरे कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, ऐसा करते 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 वो काम कभी नहीं होता। महीने बीत जाते हैं, लोग इंतजार करते रह जाते हैं, वो काम होता नहीं। पर कैडेट्स के अंदर एक चीज है, अभी यदि अपने को टेंथ ले आउट करना है तो करना है बस, उसके आगे पीछे सोचना नहीं। ये एनसीसी सिखाता है। एनसीसी में हमने जो सीखा है मात्र यही सीखा, सामने भले नहाए हो चाहे ना नहाए हो, अपने को अपना पूरा यूनिफॉर्म कटाकट तैयार करके पूरा चले आना है। यदि कोई वीआईपी आ रहा है, अपनी पूरी जो एरिया है कितना अच्छा सफाई करना है, इतना अनुशासन ये कहीं सीखने को नहीं मिलता। मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, पर वो अनुशासन में हम लोगों ने जो सीखा, सच में आज आपके सामने कहने में मुझे कोई ये नहीं है। जो कुछ आज इतना मेहनत हमारा टीम जो दीनदयाल शोध संस्थान का करता है, ये एनसीसी के कई कैडेट्स हमारे दीनदयाल शोध संस्थान में है, वो लोग दिन रात मेहनत करने में कतराते नहीं। और ये जो मेहनत करने की जो सिस्टम है वो भी एक सिस्टमैटिक है, मेहनत गधा भी करता है पर गधों जैसा मेहनत नहीं चाहिए। मेहनत के साथ एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ एक यूनिटी, यूनिटी के साथ एक टीम वर्क की जो भावना से काम होता है वो असली रिजल्ट देता है। ये काम हम लोग सब यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ, दीनदयाल शोध संस्थान जो भी काम कर रहा है जनता की पहल एवं पुरुषार्थ के आधार पे कर रहे हैं, पीपल्स इनिशिएटिव एंड परफॉर्मेंस के आधार पे कर रहे हैं। अपना जो राष्ट्रपति जी कहते हैं 2020 तक हम पूरे गांवों को स्वावलंबी बनाएंगे, सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, पर आपकी जैसे युवा शक्ति यदि होगी तो 2020 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय और ये युवा पीढ़ी और यहाँ पे आपको प्रशिक्षण देने वाले जितने भी स्टाफ सब मिल जाएंगे, 2010 तक ही अपन अपने गांवों को, अपने शहर को, अपने राष्ट्र को अपन स्वावलंबी बना सकते हैं। ये जो स्वावलंबन की जो प्रक्रिया है, कैडेट्स इतना ही सोच ले, आज यदि कोई अपने सामने गिर जाता है तो अपन हंसी उड़ाते, उनकी तरफ प्यार से जाकर उनको उठाकर अपन ठीक से उसकी कुछ देखभाल नहीं कर पाते। ऐसा आज की थोड़ी बहुत स्थिति स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखने को मिलता है। यदि अपने कैडेट्स आप सब लोग ये सोच ले, यदि मेरे सामने कोई रोएगा नहीं, मैं खुद नहीं रोऊंगा, दूसरों को रुलाऊंगा नहीं, कॉलेज भी जाऊंगा मैं रैगिंग नहीं लूंगा, किसी को मैं तड़पाऊंगा नहीं, कोई को यदि कोई परेशान कर रहा है मैं उसको बचाऊंगा, किसी बहन के पास भाई नहीं है तो उसकी कमी मैं पूरा करूंगा, हर चीज इस तरह का, मेरा जो इलाका है उस इलाके में किसी को मैं दुखी होने नहीं दूंगा, यदि किसी के घर में कोई बीमार है, करने वाले कोई नहीं, मैं स्वयं जाके अपने टीम के साथ जाके उनकी सेवा करूंगा, इस तरह की भावना यदि अपने अंदर आ गया, यही नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का बहुत बड़ा प्रभाव होगा समाज के ऊपर। प्रत्येक कैडेट को अपना अपना दायित्व समझने की जरूरत है। और लोग समझते हैं सिर्फ युवा पीढ़ी काम करेगी और एक रास्ता बता देगी, इन्हीं में से कोई फिर से कल्पना चावला बनेगा, इन्हीं में से कोई अब्दुल कलाम जी बनेंगे, इन्हीं में से कोई सचिन तेंदुलकर जी बनेंगे, इन्हीं में से कोई राहुल गांधी जी बनेंगे, ऐसे सब लोग सोचते हैं। सिर्फ सोचने भर से नहीं होता, जो बुजुर्ग लोग अपने गाँव में होते हैं उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उन्होंने अपनी लाइफ को कितना अच्छा कैसे बनाया वो सब बातें रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कागजों में या आजकल कैमरास भी आ गया है, वो सब में कैप्चर कर लीजिए, फिर वो बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। तब अपन को जैसे हमारे मान्यवर नाना जी 92 इयर्स ओल्ड है, फिर भी उनसे आप यदि पूछेंगे नाना जी आपका उम्र क्या है तो बोलेंगे जस्ट ओनली 92। हमसे आज पूछेंगे नाना जी ने पूछा कितने साल की हो गई तुम, तो बताने में लगता हाय हमारे में तो बुढ़ापा आ रहा है। नाना जी इतने बुजुर्ग होने के बाद भी एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो सोचते 92 क्या चीज होता है, मैं तो 125 साल तक जिंदा रहूंगा, ऐसे पूरा दिल होना चाहिए। एक बार नाना जी का दिल जो है एक डॉक्टर राजीव गहलोत राजू थे, नाना जी ने कहा तुम हार्ट स्पेशलिस्ट हो मेरे दिल को तुम चेक करो थोड़ा, तो उन्होंने स्टेथो लगाया और थोड़ी देर के बाद जोर जोर से वो डॉक्टर हंसने लगे,
तो नाना जी ने पूछा, क्यों भाई मेरा दिल चलता नहीं है क्या? तो तुरंत उन्होंने कहा, नहीं नाना जी, आपका दिल तो चल रहा है पर कुछ अलग आवाज दे रहा है। वैसे दिल कौन सा आवाज देता है? दिल कौन सा आवाज देता है? हार्ट बीट कैसी होती है? धक धक नहीं, और लब डक लब डक लब डक होती है। तो फिर नाना जी को उन्होंने बोला, नहीं नाना जी, आपका दिल कुछ और आवाज दे रहा है। तो लोगों ने सबने आश्चर्य से हम सबने देखा कि भाई दिल तो सबका एक ही आवाज देना चाहिए, भगवान ने तो एक ही दिल बनाकर भेजा है। तो तुरंत वो कहते हैं डॉक्टर राजीव जी, नहीं नाना जी, आपका दिल बोल रहा है लव 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 लव। तो सब इतने खुश हो गए एकदम। तब उन्होंने कहा, नाना जी आपका दिल आज भी इतना मजबूत इसीलिए है, आप कभी बीमार इसलिए नहीं पड़े अपने लाइफ में, क्योंकि आपने कभी नेगेटिव अप्रोच आपने अपने दिमाग में रखा ही नहीं, दिल में कभी किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं। नाना जी, जो प्यार मोहब्बत वाली जो बात आपके अंदर है, उसके कारण आपकी दिल एकदम परफेक्ट है, कभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। बोलो, तो अपने को इससे सीखने वाली बात यही है। आजकल लोग अपने समाज में, चाहे गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, कहते ये अलग समाज का है, ये अलग जाति का है, ये अलग है, ये अलग है। सबके बीच में लड़ाई करा करा कर अपने सबको एकदम अलग अलग कर दिया। पर एनसीसी में समझ नहीं आता, यही चीज सीखने के लिए अपन एनसीसी में आए। चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जो कोई जाति के हो, प्रांत के हो, तमिलनाडु के हो, आंध्र के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, सब एक बराबर है। इसमें जब तक कि हाथ नहीं उठाएंगे तब तक पता नहीं चलता किस जगह को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया। यही चीज बड़ों से सीखने वाली बात। ये सिर्फ नाना जी का मैं उदाहरण इसीलिए दी, मेरे सामने नाना जी का ही उदाहरण है। जब हमने पढ़ाई करके सीधा यहाँ चली आई थी तो सिर्फ नाना जी का ही मैंने सुना और उन्हीं से मैं प्रभावित हुई थी कि ऐसे समाज सेवा करना चाहिए। अंदर था, कुछ करने का था, इच्छा थी, शक्ति थी, सब कुछ था, पर सिखाने वाला कोई, ऐसा काम देने वाले कोई नहीं थे। हमारे सामने 1994 में सिर्फ नाना जी का फिलॉसफी था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का फिलॉसफी था, एक आत्म मानव दर्शन का। उसी के आधार पे हमने काम करना शुरू कर दिया। कोई कैडेट को असाबला कान का अच्छा लग सकता है, किसी को भगत सिंह जी का अच्छा लग सकता है, किसी को महात्मा गांधी जी का अच्छा लग सकता है, किसी को एपीजे अब्दुल कलाम जी का अच्छा लग सकता है। सभी का अपना अपना एक मार्गदर्शक होते हैं, उन्हीं मार्गदर्शकों से अपन सब लोग प्रेरणा लेकर अपने को अच्छा, बहुत अच्छा बना सकते। यही यहाँ पे सीखने की जरूरत है। डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। चाहे समाज कितना बुरा बिगड़ गया हो, पर आप लोग सब चाह लेंगे, अपना समाज बिगड़ नहीं सकता। इसका एक उदाहरण आपको दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में देखने को भी मिल सकता है। सब लोग कहते थे, अरे नाना जी बुढ़े, अकेले कुछ कर नहीं सकते, पर सब यूथ उनके साथ जुड़ गया, नाना जी का मार्गदर्शन और पूरा यूथ काम करना। तो आपको 10 साल के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ यूथ की जो मेहनत है, जो काम करने का तरीका है, इसी के कारण ये काम है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमने सुना है आपके जो डीजी सब बने हैं वो बहुत ही, उनकी कल्पना अलग है एकदम। वो कहते हैं ग्रामीण अंचलों में रहने वाले कैडेट्स को लाओ, दिखाओ और पूरे ग्राम का विकास करो, रूरल डेवलपमेंट करके दिखाओ। ये जो चीज है और रूरल बैकग्राउंड से आए हुए सभी कैडेट्स का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनको यही बताना चाहते, घबराने की जरूरत नहीं। गांव शहर दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंटारिटी के साथ काम करना है, तभी अपना राष्ट्र, अपना देश बहुत अच्छा हो सकता है। बाहर जाके यदि अपन देखते हैं, यहाँ सबको लगता होगा अमेरिका बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है और अपना अफगानिस्तान, कजाकिस्तान सब बहुत अच्छा है। आजकल के पढ़े लिखे लड़के सबके सब दुबई जाना है। दुबई क्यों जा रहे हो? मकान बनाना है, 25 लाख कमाना है। अच्छे अच्छे घर के बच्चे, भारत देश का पूरा पैसा लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने में और मेडिसिन करने में, इंजीनियर बनने में, पूरा माता पिता का, अपना राष्ट्र का पैसा लगता है उसके बाद, पढ़ लिखने के बाद से
सेवाएं देने चले जाते अपन दुबई अमेरिका सब जगह जाकर उनके यहाँ अपन सेवरी करते, इससे क्या होगा? भारत का निर्माण तो हो नहीं सकता। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, अपना देश स्वदेश स्वधर्म। धर्म का मतलब वो नहीं है जो आजकल आप पेपर्स में पढ़ रहे। धर्म का मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य का समझे, अपने माता पिता के साथ क्या धर्म है, अपने देश के साथ क्या धर्म है, अपनी शैक्षणिक जो भी बंधु है जो फ्रेंड्स है उसके साथ अपना धर्म क्या, अपने मास्टर्स के साथ अपने धर्म क्या, अपने परिवार जनों के साथ अपना धर्म क्या, अपने बगल वालों के साथ अपना धर्म क्या। ऐसा स्वधर्म स्वदेश स्वाभिमान, बिना स्वाभिमान के कुछ हो नहीं सकता। कोई अपने को बोल रहा है भारत गंदा है तो अपन सुन के लज्जा से झुके चले आए। ये स्वाभिमान व्यक्ति आज ऐसा जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं है ऐसा व्यक्ति भारत को जरूरत नहीं है। सुना तुरंत भारत के बारे में किसी ने कहा आग लग जाना चाहिए। तुमने ये बात कहा कैसे मेरे देश के प्रति, जिसमें हमने जन्म लिया, जिसमें हमने पढ़ाई किया, जिसने हमको संस्कार दिया, तुमने मेरे देश के बारे में कहा कैसे? ऐसा कहने वाला जवान आज जरूरत है देश को। सिर्फ अपन यही सोचे अरे भारत के बारे में कह रहे, कौन सा मेरे बारे में कह रहे, ऐसा युवा शक्ति आज नहीं चाहिए। शक्ति वो चाहिए जो इंटीग्रिटी के साथ हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जो काम करने वाले युवा, स्वाभिमान युवा, स्वावलंबी युवा, स्वदेशी अपना देश के प्रति विचार रखने वाले युवा, अपने धर्म अपने कर्तव्य स्वधर्म के प्रति पालन करने वाले युवा शक्ति की आज जरूरत है। आप सब लोगों का हम लोग यही उम्मीद करते हैं। जहाँ पे भी जाओगे वो एनसीसी कैडेट है, फलानी जगह का कैडेट है, कोई भी बटालियन हो यदि वो निकलता है लोग कहे देखो वो कैसे जा रहे। यूनिफॉर्म पहनने के बाद लुंज पुंज चलना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं, आप यूनिफॉर्म की धज्जियां उड़ा रहे। कोई भी कैडेट यदि यूनिफॉर्म डाल लिया वो भूल जाना चाहिए उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो यूनिफॉर्म मत पहनने लिए, पहन के लुंज पुंज चलते ये तो पूरी इस यूनिफॉर्म का तौहीन। जितने भी कैडेट्स है डालने के बाद आरडीसी के बैज जहाँ डाल लिया उसकी सीना तन जाना चाहिए, वो पूरा भारत का गौरव है, ऐसा उसके अंदर मन के मस्तिष्क के अंदर आना चाहिए। जब चलता है तो युवा को देखे लोग ये कौन कैडेट जा रहा है, मुझे इसका अनुसरण करना चाहिए। ना कि कभी कभी ऐसी भी गलतियां होती है, आप लोग नहीं करते होंगे, पर यूनिफॉर्म पहनने के बाद कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहे, कोई कुछ खा रहे, तो आप दुनिया के सामने एक नमूना प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप सबसे निवेदन है अपने से समाज में कोई गलती ना हो, सब आपका तारीफ करें और करेंगे जरूर। जो आप मेहनत यहाँ कर रहे उसकी आपकी पूरा दुनिया में पूरे कहीं पे भी जाएंगे आपका तारीफ होगा। आप जहाँ जाएंगे 10 लोगों को 20 लोगों को 100 लोगों को खुश रखने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग यहाँ आए मुझे ये मौका दिया इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। एक छोटा सा गीत है, एक समय है 5 मिनट, एक छोटा सा गीत सब लोग इसको दोहराएंगे। हम पहले एक लाइन बोलेंगे, आप सब लोग बोलेंगे, कमर सीधा करके सब बैठेंगे। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला खरहा चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ, देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो,
सजना है तो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, चलने वाला मत बैठो, पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, धरती चलती तारे चलते, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, चांद रात भर चलता है, धरती चलती तारे चलते, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने, किरणों का उपहार बांटने, सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो जीवन में मन को मारे मत बैठो, मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो, भारत माता की जय। My cadets are so much motivated and they were all listening you so nicely. मुझे इतना अच्छा लगा कि हर बच्चा ध्यान से सुन रहा था and your moral values in a very simple language. बहुत अच्छे से आपने convey किया and each and every cadet took interest in listening you. I'm so grateful about it. Each and every one present here on behalf of them. I thank you ever so much for this. एक चीज मुझे बोलने से अपने आप को रोक नहीं पा रही, एक बच्चे का कल मोबाइल गुम होगा, शायद आप लोग में से सबको नहीं पता होगा, बट सी हर, शी नोज इट, यू थिंक हर नेटवर्क इज सो वंडरफुल, मतलब इस परिसर में कुछ पता भी हिलता है तो मैडम को पता लग जाता है, इजंट इट, सो शी इज सो डाउन टू अर्थ, ईच एंड एवरीथिंग इज शी नो इट, सच अ गुड थिंग, और मेरे को लगता है मेरे यहाँ से किसी को भी नहीं मालूम होगा एक्सेप्ट महाराष्ट्र कंटीजेंट जिस बच्चे का गुम हुआ होगा, है ना, है कि नहीं, so that is it, isn't it, आप motivate feel कर रहे हो, yes sir, see that जज्बा जो इनमें आज भी वो NCC का है, you feel proud about it, yes sir, yes I feel proud about it, I'm so thankful for you ma'am, thank you.